हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं पूजा आई हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, यम्मी यम्मी, बिल्कुल नए स्टाइल से। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया है। अब हम इसको एक छलनी में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। अब मैंने अनियन डाल दिया है और मटर डाल दिए। अब मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डालूँगी। नमक आप अपने स्वादानुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको चलाते हुए थोड़ी देर सॉफ्ट होने तक चला लेना है। अब मैं इसमें जो कटे हुए मैंने टमाटर और मिर्च ली थी वो डाल दूंगी। मैंने इसको बनाने के लिए 1/2 कटोरी मटर लिए हैं, 1 टमाटर लिया है बड़ा, और 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और 1 से 2 शिमला मिर्च ली हुई है। अगर बड़ी शिमला मिर्च है तो आप 1 ले सकते हैं और छोटी है तो 2। अब हम चलाते हुए इन सब्जियों को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे या फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला और इसमें मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये सब मसालों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे चलाते हुए। फ्रेंड्स, हमें मसालों को कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है, हमें इसे चलाते हुए अच्छे से पका लेना है, फ्राई कर लेना है अच्छे से हमें इन्हें, क्योंकि हमारे जो पास्ता है वो पहले से ही बॉईल हुआ है, तो इसलिए हम इनको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे, सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ने लगे। मैं इसको 2 मिनट ढक के पका लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जियाँ मेरी बिल्कुल अच्छे से पक गई हैं। अब मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी जो मैंने धो के, जिसका पानी मैंने अलग कर लिया था। फ्रेंड्स, आप लोग सभी ये अच्छे से बना लेते होंगे, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। ये मैंने इसमें सोया सॉस लिया है 2 चम्मच और 2 चम्मच मैं इसमें विनेगर डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे ना बहुत ही टेस्ट आता है। ये मैंने ना 1 टेबल स्पून से लिया है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है चलाते हुए। देखिए फ्रेंड्स, कितना यम्मी लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप पास्ता बन के रेडी हो गया है। बस 2 मिनट आप इसको और ढक के पका लीजिए या ऐसे ही चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। ये बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी यम्मी होने वाला है फ्रेंड्स। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून से मैं इसमें सॉस डाल रही हूँ, टमाटो सॉस। इससे ये और भी ज़्यादा, मतलब इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही यम्मी हो जाता है। जो सॉस का टेस्ट है ना वो अगर इसमें फ्राई हो जाए तो वो बहुत ही यम्मी हो जाता है। सॉस और ये सोया सॉस और विनेगर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वाह, इससे तो बहुत ही यम्मी होने वाला है ये पास्ता। प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।